हाय एवरीवन, वेलकम टू आयशा द व्लॉग्स। आज की ये वीडियो उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए है जो मुझसे पूछे जाते हैं कि क्लास सिक्स में हम कैसे एडमिशन लें, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाता है, क्या क्या कौन सी मेरिट लगती है, किस वेबसाइट पे हम जाके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। आज हम बात करेंगे क्लास सिक्स के एडमिशन के बारे में। नवोदय विद्यालय में क्लास सिक्स में भी एडमिशन होता है, क्लास नाइन्थ में भी होता है और क्लास इलेवेंथ में भी होता है। क्लास सिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सिक्स के सेशन 2024-25 के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे अभी क्लास फिफ्थ क्लास में हैं, वो क्लास सिक्स में 24-25 में जब वो क्लास सिक्स में जाएंगे, अगर वो इंटरेस्टेड है नवोदय विद्यालय में, तो क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और कैसे वो नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ऑनलाइन पोर्टल आपका होता है नवोदय विद्यालय का, www.navodaya.gov.in। इस पे जाके आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इस पे आती है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगी, तो किसी और वेबसाइट पे रिलाय मत करना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय की। टोटल जेएनवी 649 जेएनवीज हैं एक्सेप्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोई भी जेएनवी नहीं है। एडमिशन टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। इसको कंडक्ट कराया जाता है CBSE के थ्रू। एग्जाम जो होगा वो 4 नवंबर 2023 को होगा और 20 जनवरी 2024 को होगा। ये दो डेट्स पे कैसे एग्जाम होगा तो मैं आपको बताती हूँ। 4 नवंबर को उन स्कूल का एग्जाम होगा जो कि लेह, कारगिल, वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में या फिर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम में है। वो विंटर बाउंड स्कूल्स होते हैं जहां पे विंटर के टाइम पे स्कूल बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है। तो उन स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट होगा वो 4 नवंबर को होगा। उसके अलावा जो बाकी बचे हुए स्कूल हैं उनका एडमिशन टेस्ट 20 जनवरी 2024 को होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी नोन को जानते हो, अपना एडमिशन कराना चाहते हो, अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रिजल्ट जो है आपका मार्च और अप्रैल 2024 में आएगा और जो लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की है वो 10 अगस्त है। ये कभी कभी फ्लक्चुएट भी होती है, ये एक्सटेंड भी हो जाती है, तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि डेट कितनी एक्सटेंड हुई है। अभी करंट के हिसाब से 10 अगस्त लास्ट डेट है। अब हम बात करेंगे हु कैन अप्लाई, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस एडमिशन टेस्ट के लिए। सबसे पहला पॉइंट है क्लास फिफ्थ के जो बच्चे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, वो ही एलिजिबल होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए। वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई बच्चा है वो गाजियाबाद में रहता है, तो वो अपने एडमिशन फॉर्म पे एनवीएस गाजियाबाद ही फिल करेगा, वो मेरठ के गाजियाबाद में एडमिशन नहीं ले सकता या किसी और डिस्ट्रिक्ट के गाजियाबाद में एडमिशन नहीं ले सकता। दूसरी चीज, जो फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं 23-24 में जो फिफ्थ क्लास कर रहे हैं वो ही एलिजिबल हैं, उनके अलावा कोई और बच्चा एलिजिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट है फर्स्ट में 2012 से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और 31 जुलाई 2014 से कम उम्र नहीं होनी चाहिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। जो भी बच्चा ये एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसकी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास एडमिशन के टाइम पे गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल से होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो उसको कोटा नहीं मिलेगा। नो सेकेंड चांस, सेकेंड टाइम इज एलिजिबल। अगर आपने एक बार पहले भी फॉर्म फिल किया हुआ है, एग्जाम दिया हुआ है, तो आपको सेकेंड टाइम आप एलिजिबल नहीं होगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में कि कितना रिजर्वेशन बच्चों को दिया जाता है। 75% जो सीट्स होती है वो रिजर्व होती है गाँव के बच्चों के लिए। 25% जो सीट्स होती है बची हुई वो गांव के और शहर के बच्चे दोनों मिला के उसमें जो मेरिट बनती है उनके लिए दी जाती है। जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं वो बॉयज की कैटेगरी में ही इंक्लूड होते हैं, पता नहीं क्यों उनके लिए अलग से कैटेगरी नहीं बनी हुई है, तो वो बॉयज सेक्शन में ही इंक्लूड होते हैं। 15% SC के लिए रिजर्वेशन है, 7.5% ST के लिए है, 27% OBC के लिए है, OBC के जो बच्चे हैं उनके लिए है, 1/3 बाय गर्ल्स।
जितनी भी सीट्स होती हैं टोटल 80 सीट्स होती हैं एक नवोदय में क्लास सिक्स में, तो 1/3 मतलब 28-30 जो सीट्स होती है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व की जाती हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है चलने में, देखने में या फिर किसी भी उनके बॉडी पार्ट्स में, तो उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व होती हैं सिलेक्शन के टाइम पे। अब हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में। 2 घंटे का ये टेस्ट होता है, 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा और 1:30 बजे ये खत्म होगा। कोशिश करना सेंटर पे 10 बजे तक पहुंचने की, वरना फिर आप लेट हो जाओगे, आपका टेस्ट भी छूट सकता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। अब इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आते कैसे हैं, सबसे पहले है मेंटल एबिलिटी। आपसे आपको 4 फिगर दे दी जाएंगी, आपसे पूछेंगे कि इन चारों में से कौन सी फिगर अलग है, या फिर 3 फिगर दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि फोर्थ फिगर जो होगी वो कैसी होगी, फॉर्मेशन होगी अलग अलग। तो ये सारे मेंटल एबिलिटी के टेस्ट होंगे, ये रीजनिंग भी इसको बोलते हैं। 40 क्वेश्चंस आएंगे, 50 नंबर के होंगे और 60 मिनट आपको मिलेंगी इनको करने के लिए। अर्थमेटिक टेस्ट होगा जो कि मैथ्स से रिलेटेड होता है, मैथ्स के ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू आती है इसमें, आपका होल नंबर्स आते हैं और बहुत सारे मैथ्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। क्वेश्चन इसमें 20 आएंगे, मार्क्स 25 होंगे और इसमें आपको सिर्फ 30 मिनट दी जाएगी। उसके बाद है लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप तमिल के हैं तो आपको तमिल लैंग्वेज आपको दी जाएगी, अगर आप साउथ इंडिया में कहेंगे तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उनके क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश या फिर पंजाबी, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स 25 नंबर के ये होंगे और इसमें भी आपको आधा घंटा मिलेगा। ये टोटल जो आपके 2 आवर्स हैं ये विदाउट ब्रेक, आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे विदाउट एनी ब्रेक, आपको ये एग्जाम करना पड़ेगा। 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उन बच्चों को जो कि दिव्यांग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिससे कि वो अपना क्वेश्चन पेपर आराम से कर सके। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही लेकर जाएं, आप जेल पेन ना लेकर जाएं इस टेस्ट में। अब हम बात करेंगे आफ्टर सिलेक्शन, अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एज अ प्रूफ देने पड़ेंगे वहां के नवोदय विद्यालय को। सबसे पहले है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है वो आपको देना पड़ेगा। रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बहुत जरूरी है सिलेक्शन के बाद एज अ प्रूफ। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, एससी अगर कोटा आपने लगाया, एसटी कोटा लगाया, ओबीसी कोटा लगाया तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर ऑफ 3rd, 4th and 5th class, जो जिस भी स्कूल से आपने 3rd, 4th और 5th class करी है उसके हेडमास्टर आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देंगे, वो आपके पास होना जरूरी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अपने ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं वहां के डॉक्टर से कि आप मेडिकली फिट हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है एज अ प्रूफ, तभी आपको कोटा मिलेगा। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि क्लास सिक्स में हम कैसे एडमिशन लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना, और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं किसी और टॉपिक पे तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।